इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है और विपक्ष इसका लगातार पुरजोर विरोध कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जो बैन सालों पहले आरएसएस पे लगाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको सरकार ने क्यों रिवोक किया। वो ये कहते हैं कि अब निक्कर में जो है सरकारी कर्मचारी दिखे, इस तरह के बयानों को आप किस तरह से। ये मैं समझता हूँ कि उनकी मानसिक विक्षिप्तता है जो भी ऐसा बोल रहा है। आरएसएस एक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है जहाँ पे गीत गूंजता है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम चार रहे न रहे। हम भी जाते हैं आरएसएस के कई कार्यक्रमों में और वहाँ पे देश की भक्ति, भारत माता के प्रति समर्पण, ये सब सिखाया जाता है। अगर ये कोई सीखने का विरोध कर रहा है तो उनको मैं दुर्भाग्य मानता हूँ। मुझे लगता है जयराम रमेश जी को कि आप एक बार जाइए आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होइए, फिर आप खुद भी जाने लगे। लेकिन क्यों आपको लगता है कि बैन क्यों लगाया गया था और अब जब रिवोक किया है इसको तो विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। अब हमको तो पहले पता ही नहीं था कि बैन था हमको तो अभी पता चला बैन था और ये बैन होना ही नहीं चाहिए था। धन्यवाद मोदी सरकार इसको हटाने के लिए। और अपने जो मौलिक अधिकार, वो यही है ना कि हमको बोलने की अभिव्यक्ति है, हमें कहीं बैठने की अभिव्यक्ति है। बाकी देश के कर्मचारी के रूप में, सांसद के रूप में काम करने में नियमावली है, उसका पालन करेंगे। एक सवाल ये, कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से बवाल काफी बड़ा बढ़ता जा रहा है, आप खुद अभी हरिद्वार यात्रा से वापस आए हैं जी, क्या कहेंगे आप, क्या स्थिति को देखते हैं, क्या लग रहा है आपको। मैं कल हरिद्वार था गुरु पूर्णिमा पे अपने उमा निकेतन में और मैं गया आया, बहुत अच्छा माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग अपनी दुकानों पर अपने नाम लिख रखे हैं, बल्कि मैं कल एक मुस्लिम भाई के दुकान पे चाय पिया। हाँ, इसलिए पिया कि हम कांवड़ यात्री नहीं हैं। अगर हम कांवड़ यात्री होते तो हम अपनी शुद्धता पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये पता करना पड़ता हमको कि हम कहाँ खाएं, कहाँ पिए। हमारी जैसे कोई रोजा में अपनी शुद्धता पवित्रता बना के रखता है, वैसे ही कांवड़ के लोग अपनी शुद्धता पवित्रता बनाते हैं। इसलिए उनको पता चल जाए कि ये दुकान किसकी है, जस्ट फॉर वन मंथ। इस अच्छा, वैसे कौन सा ये अनैतिक कार्य, ये तो नियम भी कांग्रेस के समय में बना हुआ है। सो मैं होके आया हूँ, जमीन पे बहुत खुश हैं लोग, खाली ये राजनीतिक लोग नाखुश हैं, इनका इलाज तो भोले बाबा करेंगे। धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।